Hey everyone, welcome back to my channel Anna Technology. Guys, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कैसे कर सकते हो भी जस्ट चुटकियों में. एंड इसके लिए आपको DSLR की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है. हम लोग इसको करेंगे बस एक ऐप के हेल्प से. तो आपको वीडियो को पूरा देखना है एंड यू विल बी एबल टू गिव अ प्रोफेशनल लुक टू योर वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. तो सबसे पहले गाइज आपको VPN डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से एंड उसे कनेक्ट कर लेना एंड कैपकट को क्रोम से. अगर आपको नहीं पता कैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है. उसके बाद कैपकट ओपन करेंगे एंड उस वीडियो को यहाँ पे ला लेंगे जिसका हम बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं, ठीक है. तो देख सकते हैं ये आ गया. अब हमें क्या करना है, ये जो अफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे एंड फिर ट्रेंडिंग के सेक्शन में हमें वो मिलेगा. एकदम ड्रैग करके आपको नीचे आना है एंड यहाँ ब्लर का ऑप्शन दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है. तो आप देख सकते हैं ब्लर हो चुका है. अब यहाँ जो टिक का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है. तो इसका लेंथ को पहले फुल वीडियो इतना कर देते हैं, ठीक है. तो ये मैंने कर दिया. अब यहाँ से बैक आना आपको, ये एरो एक बार और बैक आएंगे, ठीक है. एंड फिर यहाँ से आपको ओवरले का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है. तो ओवरले पे क्लिक करना है, हम करते हैं ओवरले पे. फिर ऐड ओवरले पे फिर से करना है एंड फिर से जो वीडियो आपने इंपोर्ट किया तो उस वीडियो को दोबारा से इंपोर्ट करना है, ठीक है. तो ये वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है. अब आपको दोनों फिंगर से इसे फुल स्क्रीन कर लेना है, इसे जूम कर लेना है, ठीक है. एंड वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे मैं जूम कर रही हूँ. तो ये हो गया हमारा, ओके. अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है, ठीक है. और फिर यहाँ साइड में आपका ऑप्शन मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड, उस पर आपको क्लिक करना है एंड फिर ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड आपका बैकग्राउंड को इरेज कर देगा, ठीक है. तो अब आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, ठीक है. एक चीज़ आपको और करना है, मैं दिखा देती हूँ. पहले आप देख लीजिए कि बैकग्राउंड ब्लर कैसे हुआ है, ओके. एंड आपको ये करने के बाद एकदम लास्ट में आना है, यहाँ पे जो एंडिंग है उस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको इसे डिलीट कर देना है, ठीक है. इसको डिलीट करने के बाद ऊपर एरो में क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना.